कानपुर से बोल रहे अन्नू अवस्थी। यार हमारे बाबू बहुत गुस्सा है हमसे, और बात एक मिनट चश्मा उतार ली। ये चश्मा हमारे मित्र डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी एडवोकेट दीने ने हमका, और बात नहीं बता रहे और गुस्सा बहुत है हमका। क्या हुआ? कह रहे होगा देखो साले अनूप जलोटा का। हमका साले अनूप जलोटा का कहीं ना और का। तो हमें लगा कि यार हम बिग बॉस में नहीं पहुंच पाए ने, अनूप जलोटा पहुंच गए इसलिए ये गुस्सा है। अरे हमका अपनी अपनी किस्मत है, किस्मत किस्मत कुछ नहीं है यार, मूर्खता की बात कर रहे हो। हमारी उम्र का है, अब हमें ला दिनों खड़ाओ और रुद्राज की माला, किस्मत का है का हमसे ज्यादा खूबसूरत है का वो। हमने कहा हो ये दर्द है तुम्हारे, ये दर्द है हमारे यार, मूर्खता की बात है, तुम हमसे ना किया करो। तो हम कहा चाह तो मतलब हम बिग बॉस में पहुंच जाए ये चाह तो कि जैसलीन चाह तो। अब हम सब कुछ तुमका मुंह से बताई, वैसे तुम बड़े अक्लमंद हो, अब तुम्हारी ये बुद्धि नहीं चढ़ रहा कि हम कहा चाहते। हमका देखो अगर जैसलीन चाह तो हारमोनियम बजा ले, तो कहीं नहीं बजा पाई थे तो हमका भूल जाओ, पहले हारमोनियम सीखो और जब हारमोनियम सीख जाना तब हमका बताना। हम प्रयास कर रहे हैं तब तक बिग बॉस में जाएगा, और आप सीख लो हारमोनियम तो जोड़ी तो जा ही रही है, साथ चलना। कहीं तुम्हारे साथ चले तो क्या फायदा है? अरे हमका अपने साथ ले जाइयोगा, अंदर ना मिलेगा कोई, खुला घूमना छुट्टा जो इच्छा वो, और ये तरह की गाभिन बात ना किया करो, हमका साफ बतावा करो। लड़का है तुम्हारे, कहीं साफ बतावा है तुमका, जितना समझ गयो बस उतने चाहित है। और इतना कंफ्यूजन में दिमाग, और सबसे ज्यादा तो यार हमारा दिमाग खराब करे मामा हमारे। अब वही फोन करत है यार अन्नू, हमारी बहू सुशील है, अन्नू हमारी बहू सुशील है। तो हम कह दिए आप गुस्सा हो गए, हमका मामा ये दफा 370 हटे के बाद सुशील है कि शुरू से सुशील है? अब वो का नाम सुशील है कि बहू सुशील है? और हम तो बड़ा कंफ्यूजन, तुम्हारी बहू सुशील है, हमारे बाबू का दामाद सुशील है, ये हुई का रहा सुशील का लेके मतलब इतनी टेंशन है कि गूगल तक मैं नहीं सर्च हुई पा रहा कि सुशील आइटम का है। खैर छोड़ो सुशील जो है, कल हम एक जगह गहरान गणेश महोत्सव में नवाबगंज अनुर्मिला मार तोड़कर आई रहे। अब ये आधा घंटा के लिए तय हुई कि आई, 6 मिनट बाद आइटम खत्म हुई के भाई ना हुई गायक है ना कॉमेडियन है, वही तो केवल सकल सूरत की हीरोइन है, जाए लगी। आयोजक रोक ली कि जाओगे नहीं, आधा घंटा प्रोग्राम करो। बोली जितना आता था उतना कर दिया। बोले नहीं और करो, तो पब्लिक से ऐसे कर दी, कहीं और करो पब्लिक से ऐसे कर दी, जाए लगी। आयोजक कहीं ये सब ना चली, ऐसे करो तो कहीं लगी हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें शर्म आती है। कहीं शर्म आती तो क्या हुआ, तुमका करना पड़िए। तो उर्मिला कहे लगी का जबरदस्ती करना पड़िए, कहीं ना जबरदस्ती करना पड़िए। और देखो उर्मिला तुम करो तो करो, और नहीं तो फिर हम करी ऐसे मुँह ले जाए लगा। तो उर्मिला कहे, हमने कहा रुको यार आयोजक से, हम कहा रुको संजय भाई परेशान ना हो, हम संभाल लें मैटर, तुम आधा घंटा रोक नहीं चाहते हो? कहे ना हम का। हमने कहा उर्मिला जी आपकी रंगीला पिक्चर हमारे कानपुर में 40 हफ्ते चली, बड़ा खुश हुई गई। हमका हमारी अम्मा 20 बार देखें, बाबू 25 बार देखें, हम 40 बार देखा। और हमारी अम्मा जब देख के आती रहे बस एक बात कहती रहे कि अन्नू ऐसी ही बाउरिया चाहिए, कहीं नो स्वीट। हमने कहा अम्मा जिंदा होती कितना खुश होती है आपका पता नहीं। हमका अम्मा देख रही हो तुम जाऊन उर्मिला कहती रहो ऐसी ही चाहिए ऐसी चाहिए, आज खुद उर्मिला हमारे बगल में खड़ी है। और कहो तो तुम्हारो जो 19 तोला वाली कमर पेटी रखी है उर्मिला के बांध दी। तो कहने लगी क्या सही बात है ये? हमने कहा नहीं एमा मतलब दो बातें झूठी है एक सही है। कहीं झूठ का है? हम कहा एक तो ये झूठ है कि 19 तोला की कमर पेटी रखी है। कहीं दूसर झूठ का? हम कहा दूसर झूठ अम्मा तुम्हारी जैसी बहू नहीं चाहती रहे, गुड़िया ऐसी चाहती रहे तो गुड़िया आ गई। कहीं अब एमा सही का है? हमका सही है माँ, बस इतने है कि अब आधा घंटा आपका हुई गवा है, अब आप यहां से निकल लो देवी, 6 लाख रुपया पेल दियो बहुत है,
अब दोबारा हम लोग माफी चाहिए तो जब तुमका कुछ आवत नहीं है तो इतना बड़ा प्रोग्राम का है अपने मत्थे मुड़े ले लीने रहो। वही चली गई, आयोजको खुश हो गए, हम खुश हो गए। अन्नू अवस्थी बोल रहे कानपुर से, वही पुरानी बात, चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल जरूर दबाओ।